होते हैं कि आपको ना लोग बता देते हैं हम लोग 14,000 में आपको 4K दे देंगे या 15,000 में 4K दे देंगे, वो क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड देके आपको इसमें अपग्रेडेशन करवा देंगे, एक कार्ड लगा के आपको 4K टीवी बोल के दे दिया जाता है, क्या तो सिर्फ आपको वॉइस कमांड में उलझा देंगे। अब सेम टीवी पर अगर वॉइस कमांड ऐड करूंगा तो 600 रुपए का खर्चा आएगा, मैं दूसरे एक मॉडल पे सेम कॉन्फ़िगरेशन में वॉइस कमांड भी लेके आऊंगा और आपको खर्चे बताते रहूंगा कि एग्जैक्टली खर्चे क्या क्या बढ़ रहे हैं जो स्कैम्स आज के डेट में हो रहे हैं। ये हमारे 43 इंचेस का जो मॉडल है ये सिर्फ है 12,500 रुपए का, अब समझाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ है 12,500 रुपए का। अब ये देखिए, ये देखिए, ये होता है 2160 उसमें प्ले हो रहा है, ठीक है 2160 प्ले हो रहा है, मैं साथ साथ आपको और एक क्लियरिटी इसकी डेप्थ देखिए। लेकिन ये जो है ये 4K टीवी नहीं है, इसमें मैं दिखाऊंगा 1080 के ऊपर ये जाएगा ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे देखिए 2160 प्ले हो रहा है, ये देखिए 2160 एग्जैक्टली, मैं यही चीज आपको दिखा रहा हूँ जो आपके दिल में आज के साथ जो मिसगाइडनेस होती है कि आपको सिर्फ ये दिखा देते हैं कि 4K टीवी है 2160। देखिए यूट्यूब में 2160 प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये 4K टीवी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके ये आपको दिखाते हैं ये रहा, और इसमें आपको उलझा के आपकी टोटली मेन जो मुद्दा है टीवी में, आप समझिए अगर आप टीवी ले रहे हैं टीवी का मतलब फीचर से भी पहले आपको ध्यान रखना होगा उसके पिक्चर क्वालिटी की, सारे ऐप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं तो फंक्शंस की कोई कमी नहीं होने वाली होती है। ये अलग अलग कार्ड बनते हैं, लोग इसको दिखाते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप जहां से ले रहे हैं वो आपको क्या क्वालिटी दे रही है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सुराज एंटरप्राइजेस। होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको थैंक यू कहता हूँ, उसके बाद अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ। आज जो मैं वीडियो करने वाला हूँ ये काफी कॉमन क्वेश्चन कि आज के डेट में जो मिथ बना हुआ है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी को रिक्वायरमेंट है 4K टीवी की, और इसी के नाम पे जो आपके साथ मतलब मिसगाइडनेस होती है उसी चीज को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि 4K टीवी लोग आज के डेट में, 4K का मतलब ही ये होता है कि जस्ट यूट्यूब में, जैसे कि आप देखिए ये टीवी है, ठीक है इसमें यूट्यूब में प्ले होना चाहिए 2160। ये देखिए ये एक हमारी टीवी है, बहुत ही बेहतरीन टीवी है, बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी की टीवी होने वाली है हमारे पास। अब ये देखिए ये होता है 2160 उसमें प्ले हो रहा है, ठीक है 2160 प्ले हो रहा है। मैं साथ साथ आपको और एक टीवी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देखिए ये भी एक टीवी है, सेम मॉडल दोनों लगे हुए हैं, मॉडल दोनों सेम है, ये देखिए एग्जैक्टली सेम मॉडल है, ठीक है बट फर्क ये है कि ये देखिए मैं इसको बोल दूंगा आपको ये 4K है, बट इसमें जो है इसमें 4K ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब इस चीज को ध्यान से देखना, आपके जो आज के डेट में जो मिसकॉन्सेप्टनेस हो रहे हैं, आज के डेट में जो सस्ते सस्ते लोग बता देते हैं कि सस्ते में 4K मिल रहा है, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसके पहले मैं चाहता हूँ कि क्लियरिटी देखिए, और साथ साथ उसकी भी क्लियरिटी देखिए और इसकी भी क्लियरिटी देखिए, अब उसके साथ साथ इसको कंपेयर करना आप, ठीक है। अब देखिए इसकी क्लियरिटी, इसकी डेप्थ देखिए। लेकिन ये जो है ये 4K टीवी नहीं है, इसमें मैं दिखाऊंगा 1080 के ऊपर ये जाएगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2160 प्ले हो रहा है, ये देखिए 2160 एग्जैक्टली, मैं यही चीज आपको दिखा रहा हूँ जो आपके दिल में आज के साथ जो मिसगाइडनेस होती है कि आपको सिर्फ ये दिखा देते हैं कि 4K टीवी है 2160। देखिए यूट्यूब में 2160 प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये 4K टीवी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखिए इसमें तो सिर्फ 1080 तक ही जा रहा है, ठीक है इसमें सिर्फ 1080 तक ही प्ले होगा, इसमें ऊपर आप नहीं जा सकते, 1080 के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप, मैं चाहता हूँ दोनों का आप साथ देखिए, कंपेयर करके देखिए, सेम वीडियो लग रहे हैं आप देखिए, सेम चैनल से मैंने वीडियो प्ले किया है, आगे पीछे हो सकता है शायद मिनट का, वो मैं ठीक कर दे रहा हूँ। लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी भी क्वालिटी नो डाउट बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर मैं इस पैनल की बात करूं, आप इसमें ध्यान से देखिए, इस पैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है वो इससे बहुत अच्छी है, ठीक है। वीडियो पर शायद उतना थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आप फ्रंट पे देखेंगे आपको 100% डिफरेंस समझ में आएंगे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके मिथ पे। ये जो हमारा पर्टिकुलरली मॉडल है 43 इंचेस का, ये हमारे 43 इंचेस का जो मॉडल है ये सिर्फ है 12,500 रुपए का, अब समझाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ है 12,500 रुपए का। इसमें जो मैंने कार्ड अपडेशन किया है उसकी वजह से ये 4K में प्ले कर रहा है, उसके लिए जो आपका खर्चा आएगा वो ओनली एंड ओनली आएगा 1500 रुपए का, 1500 रुपीज आप खर्च करके इस सेम टीवी पे 4K चला सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था कि हमेशा जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं पैनल की वजह से। अब आप देखिए इसका जो पैनल है,
इसकी मैं कॉस्टिंग बताता हूँ, इस टीवी की जो कॉस्टिंग है वो है 14,400, 14,800 रुपए की टीवी। लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि आपको ना, लोग बता देते हैं हम लोग 14,000 में आपको 4K दे देंगे या 15,000 में 4K दे देंगे, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्ड देके आपको इसमें अपग्रेडेशन करवा देंगे। एक कार्ड लगा के आपको 4K टीवी बोल के दे दिया जाता है, या तो सिर्फ आपको वॉइस कमांड में उलझा देंगे। अब सेम टीवी में अगर वॉइस कमांड ऐड करूंगा तो 600 रुपए का खर्च आएगा। मैं दूसरे एक मॉडल पे सेम कॉन्फ़िगरेशन में वॉइस कमांड भी लेके आऊंगा और आपको खर्चे बताते रहूंगा कि एग्जैक्टली खर्चे क्या क्या बढ़ रहे हैं, जो स्कैम्स आज के डेट में हो रहे हैं, या फिर आपको आज के डेट में सिर्फ उलझा दिया जाता है टेम्पर ग्लास पे। ये देखिए, जैसे कि सेम मॉडल पे इस पे एक टेम्पर ग्लास है, अगर इस तरह के मॉडल है और इसमें टेम्पर ग्लास लगा हुआ है, टेम्पर ग्लास मतलब स्क्रू से भी लोग बजा करके ये आपको दिखाते हैं, ये रहा। और इसमें आपको उलझा के आपकी टोटली मेन जो मुद्दा है टीवी में, आप समझिए, अगर आप टीवी ले रहे हैं, टीवी का मतलब फीचर से भी पहले आपको ध्यान रखना होगा, उसके पिक्चर क्वालिटी, मूवी कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स होते हैं इसके, बैकलाइट होते हैं, इसके जो पैनल्स होते हैं, यही एक्सपेंसिव होते हैं और बाकी चीजें एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर मैं पैनल ग्रेड की बात करूँ, ये निर्भर 2019 सीरीज के पैनल है, अभी उसके बाद 20 पे अलग आ गए, 21 पे अलग आ गए, 22 सीरीज पे पैनल आ गए, वो क्वालिटी और इंप्रूवमेंट मिलेगा, यही चीज होती है। इसकी वजह से टीवियों के प्राइस बढ़ते हैं, जो आपको मित्र आज के डेट में कर दिया जाए कि 20,000 में आपको मैं 4K टीवी दे दूंगा 50 इंच का लोग, लेकिन वो जेन्युइन 4K कभी नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया कि 2160 प्ले करके, बट जो प्राइस बढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके कंपोनेंट की वजह से बढ़ते हैं। नो डाउट ये भी जो टीवी है हमारा 12,500 रुपए का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे टीवी देखने में, अगर आप जूम इन करके देखेंगे, देखिए टीवी देखने में कोई फर्क नहीं होता, सारे टीवी आपको देखने में सेम लगते हैं, एज इट इज लगेंगे। आप देखिए ये टीवी देख लीजिए, आप ये टीवी देख लीजिए, ये देख लीजिए, टीवीज वगैरह सारे देखने में सेम लगेंगे, सेम एज इट इज मॉडल लगेंगे, लेकिन इनके जो पैनल्स होते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं, वो चेंज होते हैं, उसी की वजह से प्राइस बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको ये कह दिया कि इसमें आप देखिए, इस ये वाला जो पर्टिकुलरली मॉडल है हमारा, इसमें वॉइस कमांड भी नहीं है, बट ये ओनली 14,800 रुपीज का, जबकि हमारे पास 14,500 रुपए में टीवी है जिसमें वॉइस कमांड भी आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा और फीचर्स भी मिल जाएंगे, 15,500 में ब्लूटूथ वाला भी मिल जाएगा, पर पर्टिकुलरली जो उसके प्राइस बढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैनल की वजह से बढ़ते हैं। तो ये जो आपके कॉमन क्वेश्चन रहते थे ये मैंने आपको दिखा दिया, और एक नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन रहता था, नेक्स्ट के मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा एक्जैक्टली एक आंसर मैं चाहूंगा कि कैमरा आप सही घुमाइए। अब देखिए हमारी जो शॉप है ये एकदम मेन रोड के ऊपर है, लाइट डायरेक्ट टीवी पे आ रही है, एग्जैक्ट जो लाइट है वो डायरेक्ट टीवी पे आ रही है। टीवी के जो नेट्स होते हैं वो 400 से 600 के बीच में होते हैं हमारे, हर मॉडल पर अलग अलग नेट्स होते हैं। आप देखिए फिर भी इसकी जो क्वालिटी मिलेगी, आप एग्जैक्टली देखिए लाइट, आप एक बार फिर से घुमा के दिखाइए कि एग्जैक्टली हमारे एकदम डायरेक्ट सनलाइट इस पे आ रही है, टीवी पे आ रही है, लेकिन फिर भी आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए, आपको देखने में पिक्चर में 19 या 20 का भी फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। और थर्ड एंड थर्ड जो आता है ग्लास प्रोटेक्शन का, एक जो डिसएडवांटेज है वो भी बताता हूँ। लोग ग्लास प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं कि हर किसी को ही ग्लास प्रोटेक्शन लेनी है, सिर्फ 550 रुपए का खर्चा आता है बड़े टीवी पे, मतलब 43 पे, और जो डिफरेंस है मतलब नॉर्मल आते हैं 32 वगैरह पे, वो 350-400 रुपए के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द ग्लास क्वालिटी। ग्लास के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको इजीली दिखाता हूँ। आप इस वीडियो को फ्रंट एंगल से देखिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस पे जैसे इस वाले पर्टिकुलरली मॉडल पे हमारा ग्लास लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप साइड में आके एकदम कॉर्नर से इसको दिखाइए, आपको साइड से कुछ भी नहीं दिखेगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होती है, 100% 200% रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप एकदम साइड से देखेंगे टीवी को, एकदम साइड लेके जाएंगे तो ग्लास प्रोटेक्शन में आपको दिखना बंद हो जाएगा, एकदम मतलब हैजी हो जाता है, कॉमन हो जाता है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होती है, रिफ्लेक्शन हर टीवी पर आता है। जैसे कि ये टीवी देखिए, मैं आपके लिए क्लोज कर जानबूझ के मैंने क्लोज किया हुआ है कि इसमें कोई ग्लास प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, फिर भी आप हमारी इमेज देख सकते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, सेम एज इट इज। अगर ग्लास प्रोटेक्शन वाले टीवी है उसमें भी अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती ग्लास प्रोटेक्शन टीवीज पे, बट हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो आता है अगर आप साइड एंगल से देखते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। अब आगे फीचर्स वगैरह पे मैंने बता दिया कि वॉइस कमांड का मतलब होता है आप कुछ भी बोलते हैं टीवी पे, अगर मैं इसमें कोई भी कमांड देता हूँ तो वो कमांड लेता है और उस अकॉर्डिंग वो प्ले करता है। मैं वॉइस कमांड के टीवी भी आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि फीचर्स कैसे होता है वॉइस कमांड का। प्ले स्वराज एंटरप्राइजेस वीडियो, जैसे कि मैंने कमांड दिया प्ले स्वराज एंटरप्राइजेस वीडियो, ये हमारी वीडियो लेके आ गया, ठीक है। अब एक और चीज जिस तरह आपको मिसगाइड किया जाता है, देखिए ये प्ले हो रहा है, ठीक है, मैंने आपका इसका इंटरफेस दिखा दिया था, अभी मैं आपको ये प्ले हो रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी आप देखिए पहले, ठीक है, आप पहले इसकी क्वालिटी देख लीजिए, इसकी क्वालिटी देख लीजिए। अगर मैं कहूँ तो ये दोनों सेम पैनल है, एग्जैक्टली सेम पैनल है, बस इसमें दोनों हमने कार्ड अलग अलग किया है, बस थोड़े से कार्ड हमने चेंज किया है इसके। अब ये होता है कि देखिए इंटरफेस का गेम होता है, अब आपको बता दिया था सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस दिखा के आपको टीवी के पैसे ले लिए जाते हैं। अगर मैं इसका होम स्क्रीन करता हूँ, अब देखिए मैंने होम कर दिया, अभी आप देखिए, ये देखिए आपको बताया जाता है कि इस तरह का एक इंटरफेस है, अपडेटेड है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये इंटरफेस क्या होता है। एक्चुअली ये है क्लाउड बेस्ड इंटरफेस। देखिए तीन तरह से अभी टीवी आ रहे हैं, नॉर्मल आपके आ रहे हैं,
ऐप स्टोर बेस पे आता है, ये प्ले स्टोर बेस पे आता है, ये आपके क्लाउड बेस पे आता है, और कुछ अलग अलग अपने सिस्टम यूज करते हैं। ये अभी आप देखिए क्लाउड बेस पे है, इसमें क्या है आपको अभी ट्रेंडिंग, ये जो अभी नया आया हुआ है इसमें आपको एक मूवी बॉक्स मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जरूरी नहीं कि ये कार्ड सेम कंपनी बना रही है, इस जियो जो सेम कार्ड है क्लाउड बेस्ड कार्ड, मेरे बोर्ड बहुत सारी कंपनियां बना रही है, अपने अपने प्राइस देती है और कार्ड के अकॉर्डिंग उसके क्वालिटी होती है। मतलब सारे टीवी अगर आप देखेंगे क्लाउड बेस्ड टीवी तो आपको देखने में सेम लगेंगे, बट इसके जो मतलब कार्ड मैन्युफैक्चरर है वो टोटली अलग अलग आपको मिलेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेंडिंग देखिए, सारे मूवीज आपको यहाँ मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा देखने में फील गुड करती है आपको, बट ये भी सेम होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता अंटिल वो कार्ड उससे महंगा ना हो, इससे प्राइस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो लोग इसमें वॉइस कमांड भी है, मैंने वॉइस कमांड भी आपको दिखा दी, जैसे कि वॉइस कमांड का मतलब होता है कि अगर मैंने ये वॉइस कमांड में बोला प्ले 4K वीडियोस, तो मैंने प्ले 4K वीडियोस बोला तो ये प्ले 4K वीडियो बोल देगा। तो लोग आपको क्या करते हैं इसी चीज में फंक्शन में बता बता के इसको ये हाईलाइट कर दिया जाता है कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी बेटर पैनल है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये जो पैनल है इसमें मैं 4K प्ले कर रहा था, लास्ट टाइम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कार्ड अपडेट के, कोई भी टीवी आप 4K प्ले कर सकते हो, सिर्फ 1500 रुपए का खर्चा आता है अंटिल, बट आउटपुट जब आप देखोगे अगर ये पैनल अच्छा है इसमें आप 4K भी प्ले करोगे बट इसकी आउटपुट अच्छी आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ इस पैनल। ये देखिए मैंने 4K बोल दिया और ये 4K प्ले करने भी लग गया ऑलरेडी, ठीक है। इसकी क्वालिटी देखिए आप, नो डाउट इसकी क्वालिटी इससे बहुत, आप अगर ऊपर वाले की देखेंगे उससे बहुत बेहतरीन पैनल है इसकी। और मैं यही सेम कार्ड अगर इस पर लगवा दूंगा मतलब क्लाउड बेस्ड कार्ड तो भी प्राइस इस तरह के ही आएंगे, थोड़े बहुत डिफरेंट आएंगे क्लाउड बेस्ड कार्ड के, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी पिक्चर क्वालिटी ये सेम ला देगा जस्ट बिकॉज इसके पैनल इससे महंगे। तो लोग आज आप इसके दिन में देख रहे हैं यूज स्केल में लोग कर रहे हैं, नए नए लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें अगर आपने वेट थोड़ा सा भी चेंज कर दिया इधर उधर कर दिया तो इसमें आपको प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि इसमें बैकलाइट होते हैं, कार्ड्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, इसके प्राइस चेंज होते हैं। और 4K की अगर मैं बात करूँ तो जेन्युइन 4K की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 50 इंच के सिर्फ पैनल की बात करूँ तो 7 से 8 हज़ार रुपए सिर्फ पैनल का फर्क आता है, अगर आप UHD और HD पैनल में फर्क देखेंगे तो। आप देखिए इसमें थोड़ा सा जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा इसका इंटरफेस देखिए, लोग आपको इंटरफेस दिखा के पैसे ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह के इंटरफेस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2022 में इस तरह के मतलब पैनल आए थे। ये देखिए सारी मूवी आपको ट्रेंडिंग मिल जाएंगे, G5 में आपको ये मूवीज मिलेंगी, दिखा भी रहा है कहाँ पे ये मूवीज आपको मिलेंगी, ये G5 में मिलेगी, ये वूट पे मिलेगी, बट ये मैटर करता ही नहीं है, लोग आपको सिर्फ और सिर्फ वॉइस कमांड और इस चीज़ों में उलझा के रख देते हैं या तो ग्लास प्रोटेक्शन में उलझा के रख देते हैं, बट ये कार्ड मैटर करता है कि कौन सी कंपनी के और किस तरह की इसकी ड्यूरेबिलिटी है। ये देखिए सारी चीज़ आ जाएंगे, और इसमें जैसे कि कह रहा था आपको एक मूवी बॉक्स आपको मिलेगा, उसमें आपको ह्यूज मूवीज मिलते हैं, ये देखिए ये है मूवी बॉक्स, ठीक है। ये इस कार्ड की खासियत है, इसमें आपका इवन की अपग्रेडर आज के डेट में और ऐप की दिक्कत किसी भी मोस्टली टीवी पे नहीं आती क्योंकि वो सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है, तो उस चीजों को लेके लोग आपको डराते हैं, बट ये देखिए डिवाइस सिस्टम अपग्रेडर डिवाइस इज अप टू डेट। और जब भी आप आए अपने नीड बताइए, आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको टीवी मिलेगी, आपकी क्या नीड है, हो सकता है बहुत ऐसा एरिया है सिर्फ केबल ही चलता है तो वहाँ पे वाईफाई का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको इतने महंगे मतलब इसमें जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है जैसे कि 12,500 रुपए का है, मैंने ये 14,800 रुपए का बताया, तो ये जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है इस ये डिफरेंस आपको देने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आपके वहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसमें वाईफाई में कुछ देख सके, इसलिए अलग अलग मॉडल्स के हमारे पास टीवीज बनते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए ये देखिए यहाँ पे आपको ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा, इवन की क्लाउड टीवी ऐप स्टोर पे भी आपको एप्स मिल जाएंगे, ये यूट्यूब है यहाँ पे जैसे मैंने प्ले कर दिया था थोड़ी देर पहले वॉइस कमांड के साथ, तो ये सारी चीजें होती है अकॉर्डिंग टू, ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जिससे वो चेंज होता है। और ये देखिए ये ऑल ऐप में अगर ओपन करता हूँ ना, यहाँ पे आपको ये ऐप मिलता है, प्लस अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ या तो क्लाउड टीवी ऐप स्टोर खोलता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ह्यूज ऐप ही ऐप मिलेंगे आपको, तो ये सारी चीजें इस पे भी होंगी, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि आपको ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी, बस वो है कि इसके होम स्क्रीन में ये आ जाते हैं, जैसे कि ये देखिए हाउस ऑफ ड्रैगन, ये अभी नया शायद कोई सीरीज आई है, वेब सीरीज आई है, तो ये भी ऊपर ही दिखा रहा है इसको, ये देखिए सारे ऐप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो फंक्शंस की कोई कमी नहीं होने वाली होती है। ये अलग अलग कार्ड बनते हैं, लोग इसको दिखाते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप जहाँ से ले रहे हैं वो आपको क्या क्वालिटी दे रही है, क्योंकि बैकलाइट इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि पार्ट्स सबसे ज्यादा इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कितनी महंगी है। लोग क्या करते हैं आज के दिन में पैनल बहुत सस्ते सस्ते खरीद लेते हैं, फिर कार्ड करके सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैच करने की कोशिश करते हैं कि आपको सुनने में अच्छा लगे, कि आपको फोन पे जैसे कि मैंने अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं, ये 60 इंच का टीवी है, ये 2GB 16GB में है और मेरे पास 1GB 8GB के टीवी है जो इससे महंगे होते हैं, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज उसके कार्ड और पैनल महंगे होते हैं। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा सारे मॉडल्स एक वॉक थ्रू करूंगा कि सारे हमारे अभी क्या रेट्स हैं, किस रेट से स्टार्टिंग हो रहे हैं हमारे 32 के, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक अच्छा सा ऑफर, और जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक प्रॉमिस किया था कि जो वीडियोस देख रहे हैं हमारे उनके लिए भी मैंने कुछ प्लान किया है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और इतने दिनों से हमें प्यार दे रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, कुछ गिव अवे का वो मैं अगली वीडियो पर डिस्क्लोज करूंगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो पर्टिकुलरली आप देखिए मेरे को कोई सेल्स
के मन से मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि मोस्टली लोग फोन पे पूछते हैं कि आप 50 4K टीवी कितने का दे दोगे। आज के डेट में ये ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट के लोगों ने भी इसी चीज को, मतलब फुल मार्केट आप ऑल ओवर इंडिया को वॉच करेंगे तो उन्होंने इसी को पकड़ रखा है। इवन की कंपनियां भी मिसगाइडनेस कर रही है, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ बट नाम नहीं लूंगा कि इस चीजों का, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि चीजें कैसे कैसे चेंज हो रही है। और एक चीज मैं जैसे कहूंगा 4K ओरिजिनल की, 4K की बात करूं, ओरिजिनल 4K भी टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही है। जैसे कि फोन आप देखते हैं, कंपनी कोई फोन निकालती है उसके बाद सेम सीरीज को चेंज करती रहती है, इसी तरह इस पे भी ऐसा ही होता है। लोगों को पता नहीं होता कि नए पैनल्स पे कितनी डिटेल्स आ चुकी है, इसलिए अवेयरनेस नहीं है। तो वो जब आप आते हैं हमेशा आपको डिफरेंस समझ में आता है। थैंक यू, होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी जो फर्म है ये है स्वराज एंटरप्राइजेस, लोकेटेड है लक्ष्मी नगर में, एकदम मेन रोड के ऊपर। हमारी कोई गली में या कोई 4x4 कमरे पहने बैठ के हम काम कर रहे हैं। पिलर नंबर 35 आपका जो नियरेस्ट, अगर आप लक्ष्मी नगर टू निर्वाण विहार टूवर्ड्स आएंगे तो पिलर नंबर 35 है, उसके एग्जैक्टली सामने आप देखिए ऐसा एक ट्रांसफार्मर दिखेगा आपको, ट्रांसफार्मर के जस्ट फ्रंट में आपको हमारी शॉप जो है वो मिल जाएगी। ऑल डे ओपन है, कभी भी आप आ सकते हैं, नियर अबाउट 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। स्पेशलिटी हमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ होलसेल पे है, रिटेल पे मैं सिर्फ कस्टमर के अवेयरनेस के लिए करता हूँ, लेकिन आप सिंगल पीस अगर चाहें तो काउंटर पे आके कलेक्ट कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास नहीं है, रिटेल पे तो बिल्कुल नहीं है। और थर्ड चीज जो है, आप अगर कॉल रिसीव ना हो पाए, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी शॉप कभी, मतलब जो काउंटर है वो कभी क्लोज रहती है, आप एनी डे एनी टाइम कभी भी आ जाइए, नियर अबाउट 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ऑल डे ओपन है। गूगल मैप में आपको लोकेशन मिल जाएगा, और जो हमारे दिए गए नंबर है, इन दोनों नंबर्स के अलावा आपको अगर किसी नंबर से कॉल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मत छोड़िए, अगर वहाँ पे आपको कोई कॉल करता है तो उसको एंटरटेन मत कीजिए। रीज़न है कि हम अपनी तरफ से कभी भी वॉयस को कॉल बैक नहीं, मतलब कॉल नहीं करते। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप में आप मैसेज छोड़िए, इन द सेंस कि आप हाई हेलो का मैसेज मत छोड़िए, जो भी आपकी क्वेरी है एग्जैक्टली उसका एक वॉइस कमांड छोड़ दीजिए, तो बहुत ईजी होता है रिप्लाई करना। थैंक यू सो मच, आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।